लिमिटिंग रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बस वो करनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये एग्जाम्पल नंबर है बुक के लिहाज से 30। बातें बताएं जो जो हमने लिखनी होती है एग्जाम्पल नंबर 13। सबसे पहली हेडिंग गिवन डाटा की आएगी कि हमें कौन कौन सी चीजें एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है। अगर जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो देखें तो कहता है हमारे पास अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग टुगेदर विद टू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। सिर्फ एक चीज दो चीजें देके बाकी दो चीजें पूछ भी रहा है हमसे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करना। आप देख के पहचान नहीं कर सकते कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सी चीज होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता हम आपने ना वो फर्स्ट ईयर के अंदर 10th क्लास के अंदर अमोनिया रिकवरी टावर पढ़ा होगा, वहां पे हम क्या करवाते थे अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते थे और अमोनिया बनती थी। तो वो कहता वही रिएक्शन है, वहां पे हमने क्या किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड होता है और अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड है। कहता ये दो चीजें ली हैं और 100 100 ग्राम दोनों की दोनों चीजें ले ली हैं। सबसे पहली बात यही बता रहा है कि हमने जो चीज ली है मैस ऑफ NH4 Cl 100 ग्राम है और मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम है। ये दो चीजें हमें प्रोवाइड की हैं और तीसरी जो चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है वो इक्वेशन है। इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा था कि अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना तो फिर ये आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने खुद ही इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन हमारे पास 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इनके मिलने से हमारे पास CaCl2 प्लस 2NH3 और साथ में हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2H2O। कहते ये एक रिएक्शन है जो हम अमूमन इंडस्ट्रीज के अंदर कर रहे होते हैं। अब आपने यहाँ पे जो चीज बतानी है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस एंड पहले नंबर पे जो चीज पूछी है टू फाइंड में हेडिंग देने टू फाइंड ये चीज सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है। टू फाइंड जो चीज हमने मालूम करनी है वो ये है कि अगर आप इन दो चीजों को 100 ये भी 100 ग्राम मिलाएं ये भी 100 ग्राम मिला के इनको गर्म करें, गर्म करने के बाद कितने ग्राम अमोनिया के बनेंगे ये चीज पूछी है। अब हम तो कहेंगे जी 100 और 100 200 ग्राम बन जाएंगे, सही है। अब क्वेश्चन बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे पहला काम ही लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है, सही है। अब आपने करना क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया, पहला काम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3। अब इसके कितने नंबर ऑफ ग्राम वो निकालना चाहते हैं हम। इसके बाद वो कहता है कि इनमें से जो एक्सेसिव रिएजेंट होगा, इनमें से जो एक्सेसिव रिएजेंट होगा, देखो कोई ना कोई एक चीज अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट एक चीज इजाफी बचेगी, आपने सेकंड नंबर पे ये चीज बतानी है कि वो कितनी चीज इजाफी बचेगी, इन दोनों में से जो भी चीज है इजाफी और वो कितनी बचेगी, कितनी मिकदार में, 2 ग्राम 10 ग्राम या 20 ग्राम, वो बताना है आपने, सही है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट ये वाली चीज हमने सेकंड नंबर पे बतानी है। चलो जी काम शुरू करते हैं। अब सॉल्यूशन लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या था, आपने सबसे पहले रिएक्टेंट्स जो दिए गए इन दोनों के मोल्स मालूम कर लें। देख ले मेरे पास रिएक्टेंट, इसका भी मैस मौजूद है, इसका भी मैस मौजूद है। सबसे पहले मैं करता हूं जी अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस, दोनों का मोलर मैस निकाल लेते हैं क्योंकि मोल निकालने में ये हमें जरूरत पड़ेगी। यहां पे आ जाएगा मोलर मैस ऑफ मोलर
मैस ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, दरम्यान में प्लस की लामत लगानी है। कितने हाइड्रोजन है? चार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का था वन। नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने से पहले आपने प्लस की लामत लगानी है, और क्लोरीन का होता है 35.5, और ये ओवरऑल कितना बन जाएगा? 14 + 4 + 35.5 कितना? 53.5। कैलकुलेशन सही तरीके से करते जाइएगा, अगर यहाँ पे गलती हुई ना सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाना है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास ही गाने लगे हैं। कैल्शियम का होता है आई थिंक 40, सही है। ऑक्सीजन का होता है, आप देखें यहाँ पे प्लस, ये वाली चीज जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है आपने, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देनी, और ब्रैकेट के बाहर दो लिखना है आपने, सही है। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी चीज है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है एक का 16, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ये अब यहाँ पे 40 + 2 = 17 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 40 + 17 × 2 कितना होगा? 34। कितना? 74। चले जी, हमने मोलर मास निकाल लिया है, इसका 53.5 ग्राम पर मोल आ गया, इसका 74 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। पहला काम कर लीजिए, हमने मोलर मास निकाला है, अभी हमने पहला स्टेप तक नहीं किया जो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए होता है, कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके लिए हमने मोल मालूम करने हैं। मोल मालूम करने के लिए आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू, चले बारी बारी, मोल ऑफ NH4Cl, पहले इसके निकालते हैं। ऊपर आपने क्या रखना था? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, वो मास जो एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करे। नीचे आपने रखना था मोलर मास, मोलर मास आपने खुद मालूम करना होता है फॉर्मूले से, इससे। अब देखें मास ऑफ सब्सटेंस जो एग्जामिनर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो है 100, और अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है? 53.5। करें इसका क्या आंसर आता है? 1.869 मोल। चलिए जी, एक का मोल निकालिए। अब सेकंड नंबर में मोल निकालते हैं जी, मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालें तो मास ऑफ सब्सटेंस जो दिया गया है हमें वो 100 ग्राम है, 100 को ऊपर रखें, मोलर मास इसका कितना निकाला हमने 74, इसको नीचे रखें, और कितने बनेंगे इसके मोल? 1.351। क्या आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? यहां से भी अंदाजा नहीं, तीन स्टेप मैंने कहा था, जब तक तीन स्टेप मुकम्मल लगा लेना उस वक्त तक आप अंदाजा ना लगाइएगा, बाद दफा आपका अंदाजा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे ये कम मकदार है, ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट रख लेंगे, ये वाला एक्सेसिव रिएजेंट होगा, लेकिन बाद दफा इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि वहां पे बिल्कुल काम ऑपोजिट हो जाए, मे भी यहाँ पे भी हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। जब तक तीन का तीन स्टेप्स आपने मुकम्मल ना कर लिए तब तक आपने कोई काम नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप था, आपने कहा था जो मोल ऑफ रिएक्टेंट निकले उनका कंपेरिजन करना है प्रोडक्ट से, हम प्रोडक्ट ये वाली चीज बनाना चाहते हैं, एग्जामिनर ये वाली चीज पूछ रहा है, इस चीज के साथ आपने कंपैरिजन करना है। हाँ, बाय प्रोडक्ट कह लें, सही, जिसका हमें जरूरत नहीं होती, सही है। आप देखें ये वाली चीज एग्जामिनर पूछ रहा है, हमें मतलब है इस चीज से। हमने कल सेकंड स्टेप यही लिखा था कि आपको जो चीज प्रोवाइड करे, यानी कि जो रिएक्टेंट के मोल निकाल लेने, निकालने के बाद उसका कंपैरिजन करना है प्रोडक्ट से बारी बारी। चलिए हम पहले इसका इसका करते हैं, फिर इसका और इसका करेंगे, सही है। बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, पहले इसका कर लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड NH3, इन दो चीजों को कंपैरिजन करने लगे हैं, सही है। कंपैरिजन करने का तरीका कार आपको पता ही है, NH4Cl इस साइड पे, NH3 इस साइड पे, NH3 इस साइड पे,
अब आपने क्या करना है, एनएच फोर सी एल कंपेरिजन स्टार्ट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब यहाँ पे देखें एनएच फोर सी एल के साथ कौन सा नंबर है, दो, आपने यहाँ पे टू लिखना है। अमोनिया के साथ कौन सा नंबर है, टू, यहाँ पे भी टू लिखना है। अब असल में आप अमोनियम क्लोराइड की जगह पे अमोनियम क्लोराइड के मोल लेके आना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू 1.869। मैंने क्या किया, इसको भी दो पे डिवाइड किया, इसको भी दो पे डिवाइड किया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया। अगर मैं इसको दो से मल्टी 1.869 से मल्टीप्लाई करूं इस साइड को भी, तो इस साइड को भी मुझे 1.869 से मल्टीप्लाई करना है, 1.869 और यहाँ पे भी 1.869। सही है, ये पहला कंपैरिजन कर दिया। अब इसके बाद सेकंड कंपैरिजन करें बाय कंपेयरिंग आप करना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया के साथ, बाय कंपेयरिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH3, इन दो चीजों का कंपैरिजन करने लगे। कंपैरिजन सेम उसी तरह करना है कि एक साइड पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दरमियान में रेशो की लामत, और दूसरी साइड पे आपने अमोनिया लिख लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर देखे तो यहाँ पे कितने मोल है, यहाँ पे वन नजर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वन करना है, और यहाँ पे कितना, टू। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमेशा कंपैरिजन स्टार्ट करना है आपने, सही है। ओहो चले वो भी लिख दे, चले सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लेके असल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे देखें कैल्शियम है 1.351, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1.351 से, उस साइड पे मल्टीप्लाई 1.351 और यहाँ मल्टीप्लाई करें 2.70 2.70। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। देखो दोनों में किस चीज से, ये है अमोनिया का मोल, इससे 1.869 मोल बनेंगे, और इससे अगर ये वाली चीज देखें तो इससे 2.70 मोल बनेंगे। अब ये वाली वैल्यू क्या है, कम है, और ये वाली वैल्यू क्या है, आपने सिर्फ अमोनिया वाली साइड की देखनी है, यहाँ अमोनिया वाली साइड भी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ये वाली चीज चाहिए, कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। हमने कहा था कि जिससे प्रोडक्ट कम बने वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कम बन रहा है। अब देख रहे हैं आपने यहां पे अंदाजा लगाया होगा जी 1.351 वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट दूसरे वाला निकल आया। ठीक है जी, लेकिन एग्जाम में इस तरह ना करना, एग्जाम में जब तक लास्ट पॉइंट तक पहुंच ना जाए, जब तक मोल ना निकालने डिसाइड ना करना, जब मोल निकल आए फिर आप बता सकते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं। अब आपने क्या कहा था जी, हमने कल साइक्लो वाली एग्जाम्पल ली थी, अगर मेरे पास 10 टायर थे, 20 टायर थे, 15 फ्रेम थे, हमने कहा था जितने 20 टायर हैं 10 साइकिलें बनेगी। क्यों 10 साइकिलें बनेगी, क्योंकि वो टायर ही इतने हमारे पास कम मिकदार में। अब यहाँ पे आपके पास कम मिकदार में ये वाली चीज है अमोनियम क्लोराइड, इसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट निकालना है। जिस तरह हमने टायरों के हिसाब से वो बताए थे ना कि ये कम है, तो इसलिए हमने कहा था कम साइकिलें बनेगी, इसलिए आपने इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से आपने प्रोडक्ट बताना है कि अमोनिया कितना बनेगा। अब असल में जो इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, गिवन सिचुएशन के मुताबिक अमोनिया का जो मोल बनेगा वो 1.869 है। मोल ऑफ अमोनिया कितने होंगे, मोल ऑफ NH3 होंगे हमारे पास 1.869। सही है। अब आप इस मोल से क्या चीज निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3 कि कितने ग्राम पैदा होगी। उसको निकालने के लिए आपको पता है कि ये देखिए ये वाला मैथ लिखा हुआ है मैंने, मोल अगर किसी भी चीज का निकालने पड़ जाए मोल के ऊपर है कि मैथ और सब्सटेंस। अब ये वाली चीज मैं निकालना चाहता हूँ, क्या करूंगा, मोलर मैथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल से। सही है, अगर आप मैथ ऑफ NH3 निकालना चाहते हैं, मैथ ऑफ अमोनिया निकालना चाहते हैं, तो क्या करें, मोल को मल्टीप्लाई कर दें, मोल को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस से, मोलर मैस से। अब यहां पे देखें मोल कितने हैं, 1.869। मोलर मैस कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तीन हाइड्रोजन है 17 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करें 17 से, ये आ जाएगा मैस ऑफ
NH3 कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 1.869, 31.773 ग्राम, ये आंसर आ गया। तो हाँ, अब देखें, अब आपने 100 ग्राम ये लिया, 100 ग्राम ये लिया, ये सिर्फ सिर्फ 31 ग्राम बनेगा, चेक कर लिए, सही है। कभी भी ये 100-100 ग्राम मिलाएं, मैंने कल कहा भी था कि बाज दफा इस तरह नहीं होता कि आप 100-100 ग्राम मिलाएंगे तो नेक्स्ट चीज होगी वो भी मे भी 100 ग्राम 50 ग्राम बन जाए, लेकिन वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके फिर निकालते हैं। यार बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज की फिर हमें पता चल गया कि 31.77 ग्राम अमोनिया बनेगी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन सिचुएशन। अब सेकंड चीज को समझिएगा, कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट। इसको समझने के लिए मैं वो ये साइकिल वाली थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, मैं सिर्फ फ्रेम इस तरह बनाऊंगा। ये मेरा मेरे पास साइकिल का फ्रेम है, ये मेरे पास टायर है, और मैंने कल कहा था ये टायर है मेरे पास 20 है, चलो 20 लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, ये है मेरे पास 15। अब इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम साइकिलें कितनी बना सकता हूँ, 10 साइकिलें बना सकता हूँ, ऐसा ही है। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, 5 साइकिलों का फ्रेम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये वाली चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये वाली चीज एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट। अब जो एग्जामिनर पूछा है वो कहता है आपने ये बताना है कि ये साइकिलों के फ्रेम कितने बाकी बच जाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल इजी जी, 10 लगे हैं तो 10 बाकी 5 बाकी बच गए। अब ये निकाले किस तरह है ये सोचो थोड़ा सा। अब आपने असल में क्या किया है कि जो शुरू में आपके पास ग्राम है 15 में से, ये बार जो ग्राम यूज हो चुके हैं, सही है, ये हमारे पास हमें पता चल गया इतने बने हैं, ठीक, उसको माइनस किया हमारे पास 5 आ गए। अब यहाँ पे क्या करना, हमारे पास ये वाली चीज देखें, ये शुरू में हमें दी गई है, ये वाली चीज एक शुरू में हमें दी गई है। अब देखें एक्सेसिव रिएजेंट, ये वाली चीज है एक्सेसिव रिएजेंट का, ये वाली चीज उसने बता दी कि 100 ग्राम लिया है, एक चीज है हमारे पास, एक चीज निकालना चाहते हैं कि ये कितना यूज हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने कहा ये क्या है हमारे पास एक्सेसिव रिएजेंट है, जो एक्सेसिव रिएजेंट है कुछ मिकदार में यूज हो गया होगा, कुछ रह गया होगा, ये सोचने वाली बात है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ मिकदार में तो रहा होगा ना, असल में वो चीज मैं निकालना चाहता हूँ। अब वो चीज निकालने के लिए आपको फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन किस तरह करेंगे, आप कोई भी चीज यूज कर लें इनमें से, कंपैरिजन मैंने हमेशा कहा था जो चीज आप मालूम करना चाहते हैं उस चीज का कंपैरिजन, जिस जो चीज आप में पता होती है उस चीज के साथ करना है। अब देखिए हम यहाँ पे दो चीजों की मिकदारें पता है, एक इसके भी मोल पता है क्योंकि हमने इसके साथ कंपैरिजन करके इसका मोल निकाला, और इसके मोल भी पता है। अब इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर ले कंपैरिजन करने के लिए, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। आंसर क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा, आंसर गलत नहीं होगा, सही। आप चले जी, किस चीज का साथ कंपैरिजन करें आप बता देंगे। देखिए हमने, मैंने अभी एक बात कही है, जिस चीज जो चीज हमें मालूम होती है उस चीज का कंपैरिजन करना है जो चीज हमने मालूम करनी है, बातों को समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए हम असल में ये चीज मालूम करें इसके कितने ग्राम यूज हो चुके हैं, ये चीज मालूम करना चाहते हैं, और ये वाली चीज हमें पक्का पता है कि ये मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH ट्वाइस। चलिए जी, अमोनियम क्लोराइड एक साइड पे लिखे हैं NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरी साइड पे लिखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अमोनियम क्लोराइड दो है तो ये कितना है, एक, सही है। अब मैं असल में अमोनियम क्लोराइड के मोल यहाँ पे देखे कितने हैं, 1.869। मैं असल में इस जगह पे 1.86 लाइन लेके आना चाहता हूँ, तो मैं पहले क्या करूंगा, दो से डिवाइड करूंगा इसको भी और इसको भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। मैंने इस साइड पे भी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 1.869 आ जाएगा, और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.869 आ जाएगा। करें इसको 0.9345।
अब इतने मोल असल में इसके यूज हो चुके हैं, इतने मोल इसके यूज हो चुके हैं। अब मोल से आपने मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। बच्चों इसी तरह ये ऐसा ऐसा प्रैक्टिस, बच्चे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना घर जाके कभी समझ नहीं आएगी, ये भी बात याद रखें। कहेंगे मैं यहाँ बैठ के सारा समझ के चला जाऊं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब तक घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ समझेंगे नहीं, तब तक ये सॉल्व नहीं होंगे। समझना पड़ता है क्वेश्चन को, तो ये समझ गया, अगर नहीं समझ आती तो फिर आगे पूछ लीजिएगा। जी बच्चे NH3 से भी कर सकते हैं आप, बेशक जिसे मर्जी कर लें यही निकलेगा 0.93। हाँ एग्जैक्ट पता हो। हाँ अब देखिए मेरे पास ये वाली चीज आ गई 0.9345। अब मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 0.9345। अब इसके मास निकालना चाहता हूं, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मास निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से, मोल को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से। अब मोल हमारे पास पता है कितना, 0.9345 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना निकाला था, 74। इसको मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 69.15 ग्राम। बात सही। अब क्वेश्चन को फिर एक दफा देख लें, कहता है इतने ग्राम इसके यूज हो जाएंगे, यानी अगर 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लें तो इसके साथ 69 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और ये वाली चीजें बना देगा। अब 69 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो बाकी आपको पता है टोटल आपने कितना लिया हुआ है, 100। कितनी चीज बाकी रह जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगा अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमेन अनरिएक्टेड। कितनी रह जाएगी आपको पता है, 100 ग्राम टोटल है माइनस 69.15 31 ग्राम। चलिए 31 कर लें, 31 ग्राम रह गया है। ये इतना आपका बाद में ये वाली चीज बची होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, सही है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चा आधा तो रेस कर दिया है।